हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। तो आज का ब्लॉग है मुंबई दर्शन। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मुंबई में क्या दिखाएगा, मरीन ड्राइव या बैंक्स। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको मेन मुंबई में क्या है वो सब दिखाऊंगा, जो चर्च गेट और CST बोलते हैं तो उसमें क्या है, बॉम्बे फोर्ट क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें मैं दिखाऊँगा। पूरा ब्लॉग दिखना, बहुत मजा आएगा, बहुत नई नई चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। और अभी जस्ट मैं चर्च गेट पहुंचा हूँ, अब देखते हैं स्टार्ट होते हैं। लेट्स गो। चर्च गेट स्टेशन का मेन एंट्रेंस है और इसके सामने ही ये वेस्टर्न रेलवे, ये फर्स्ट स्टीम इंजन है वेस्टर्न रेलवे का, और पीछे वो रखा हुआ लॉकडाउन से पहले जाके देख सकते थे, अभी बंद है। ये पूरा मुंबई का एक मेन सेंटर है, अगर आप चर्च गेट से आओ या CST से आओ, ये एक सेंटर है, इसको फ्लोरा फाउंटेन बोलते हैं। और ये फाउंटेन बहुत पुराना है, ब्रिटिश के टाइम से है, और यहाँ पर सब चीज़ें सब ब्रिटिश के टाइम से वही है, कोई ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं है। ये फाउंटेन की बात कर रहा था, फ्लोरा फाउंटेन, ये 1869 से यहाँ, सब इसकी डिटेल्स भी यहाँ पर लिखी हुई है, ये इंग्लिश में है और ये मराठी में। ये मेन बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है, सबसे पहली बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच मुंबई में थी जो ये वाली थी, और ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये सब टाटा का है, पूरा सब टाटा की ऑफिस है, सब पूरा टाटा एरिया। ये SBI बैंक है, इतनी पुरानी है और कितना अच्छा स्ट्रक्चर है इसका, ब्रिटिश के टाइम के ये भी, और कितनी बढ़िया अराउंड एक प्ले ग्राउंड मिल जाएगा। बहुत दूर है वो, वहाँ से स्टार्ट हो रही है, वहाँ जाके खत्म हो रही है, उतना पीछे भी है। ये बिल्डिंग कौन सी है आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, बहुत सारी फिल्म्स में दिखा हुआ है कि कौन सी बिल्डिंग है, नीचे कमेंट करके बताओ कौन से बिल्डिंग। तो गाइज मेरे पीछे जो है ना उसे कस्टम हाउस बोलते हैं, जिसके अंदर मुंबई के कमिश्नर, मैजिस्ट्रेट, तहसीलदार, ये लोग सबका ऑफिस है, जो कि बहुत बड़ा है, ये रियल टॉप है। गाइज अभी जो मैं आपको चीज़ दिखाने वाला हूँ ना, वो हर एक फिल्म में, हर एक वेब सीरीज में ये आया ही आया है, द स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। रियलिटी में ये एक लाइब्रेरी है, मगर हर फिल्म में इसको कोर्ट, पुलिस हेडक्वार्टर्स, कुछ भी गवर्नमेंट ऑफिस कुछ भी बताते हैं, मगर कोई अंदर का कुछ नहीं बताता है। अंदर भी बहुत अच्छी है, अभी तक ओपन नहीं हुई है, 11 बजे के बाद होती है, मगर अंदर भी इतनी ही अच्छी है, 80s से है ये, बहुत पुरानी है। रोहित शेट्टी तो अपने हर फिल्म में इसको यूज करता है, सिंगम हो गए, ये इसका एक सिलेक्टेड रहता है रोहित शेट्टी का, और ये दूसरा ये वाले पे यहाँ पोस्टिंग होती है सिंगम विंगम की, यहाँ ही सब नाकाबंदी लगती है, यहाँ ही सब होता है। एक सीन में गोवा दिखाएगा, गोवा का कुछ दिखाएगा, दूसरे सीन में ये दिखाएगा, बस सब बाहर खड़े रह के फोटो खींचते और चले जाते, कोई अंदर नहीं जाता। मैं गया हूँ, मैं अंदर गया हूँ, मगर अभी ये ओपन है नहीं। इंडियन मनी हाइस्ट की शूटिंग हो रही है, अब बोलेंगे पीछे बैंक है।
ये चर्च सेंट एंड्रू है 1815 का, कितना पुराना है मगर अभी तक इतना अच्छा है। इसके पिलर देखो, कार्विंग देखो पिलर के ऊपर, शायद अभी कभी बनेगा ऐसा कुछ, ना दूर से मस्त दिख रहा। ये यहाँ से ना नेवल डॉक शुरू होता है जो इंडियन नेवी का डॉक यार्ड है, जहाँ पर सब इंडियन नेवी का काम है। इतना बड़ा है, पूरा आपको दिखाऊंगा। वैसे इतना दूर से इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ वीडियोग्राफी करना अलाउड है। भी यहाँ से स्टार्ट हुआ है, अब देखा। ये इसका लास्ट गेट है, यहाँ जाके खत्म हुआ। इतना बड़ा है, मैं चल चल के थक गया मगर ये खत्म नहीं हुआ। ये बाहर इतनी सिक्योरिटी नहीं दिखती है मगर अंदर दो गेट और है और बहुत सिक्योरिटी है, पूरा गनमन लेके खड़े रहते हैं। गाइस मुंबई घूमने के लिए निकले और एक चीज नहीं देखी तो फिर मतलब नहीं। गेट ऑफ इंडिया, आज भी इतना भीड़ है, मैं कई बार इसको देख चुका हूँ, मैं कई बार आता हूँ मगर उतना ही मजा आज भी आता है। और इतनी भीड़ है आज के डे में, इतनी धूप है कि मेरी लिटरली आंख नहीं खुल रही। इस साइड पे इतना सन है, मेरी आंख नहीं खुल रही मगर सब पब्लिक मेरे पीछे ही दिख रहा हूँ। और आज हाँ, आज 26/11 है तो उसका भी पीछे पूछ रहा हूँ। फाइनली द ताजमहल, ये पुराना वाला है मगर अभी भी नया ही दिखता है, और ये नया वाला है जो अभी भी पुराना दिखता है। मुझे अच्छा यही दिखता है, इसका कलर वलर बहुत अच्छा है, इसके टेक्सचर्स बहुत अच्छे हैं। ये नया वाले में तो पता नहीं क्या लगता है, मैं कुछ समझता ही नहीं, बस खिड़की 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 दिखती है। 5-star होटल ये बोलेगा कोई, इसको बोलेगा कोई 5-star होटल? एक स्टोरी बताता हूँ आपको, पता नहीं आप लोगों किसी को पता है या नहीं। तो ताजमहल होटल के ऊपर एक स्टोरी है कि इसके जो फाउंडर है वो जमशेद जी रतन टाटा है, उन्होंने ये होटल बनाया था 1903 में। अब बनाया इसलिए था क्योंकि बहुत साल पहले जब ब्रिटिश एम्पायर था उन्होंने एक रूम बुक किया था वॉल्टसन होटल में जो मुंबई में है। उनका रूम बुक भी था, सुपर डिलक्स रूम था, सब कुछ था, मगर उनको चेक इन करने का नहीं दिया ब्रिटिशर्स ने। क्यों? क्योंकि वो एक इंडियन है इस वजह से, और वहाँ पर सिर्फ सब यूरोपियन ही चेक इन कर सकते हैं। इस बात का जमशेद जी रतन टाटा को बहुत बुरा लगा
और 1903 में उन्होंने ये होटल खोल लिया, 5-स्टार होटल है। जब वो एक ही था, अभी की मैं आपको बताऊँ तो सिर्फ इसकी ताजमहल होटल एक ब्रांड बन चुका है। अब 10 ब्रांचेस, पूरी 100 ब्रांचेस है, सॉरी 100 ब्रांचेस है पूरे ऑल वर्ल्ड में। 86 तो इंडिया में ही है और कुछ 14 या 15 बाहर है, यूके, अफ्रीका। और एक छोटी सी गलती से कितना बड़ा ताजमहल होटल बन गया। तो गाइस, ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मुंबई दर्शन मैंने ट्राई किया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखाऊं। होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत लोग लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इस बार ज़रूर करके जाना। डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक है, वहाँ पर भी जाके फॉलो करो। नई नई अपडेट्स देता रहता हूँ वीडियोज़ और ब्लॉग के बारे में। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, कि मुंबई है कैसा। Yo sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres que brinda la vida, que nos hace tan feliz. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres, como acariciarte, conocerte.